दोस्तों फाइनली TVS की तरफ से आने वाली 125cc का एक न्यू ट्रेलर वीडियो आ चुका है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम अनवील कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बाइक आज 11 बजे लाइव लॉन्च इसका होने वाला है। आज ये 11 बजे लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। इसका लाइव लॉन्च इवेंट वाला वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। बाकी की अभी जो अभी ट्रेलर आप देख रहे हैं, ये पिछले ट्रेलर ही है। ये मतलब 2 दिन पहले ही इसको अनवील किया गया था। बाकी इसके बाद वाला जो ट्रेलर है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बाइक को पूरी खड़ी करके उन्होंने दिखाया है कि बाइक का लुक कैसा होने वाला है। तो उसी का कुछ मैं आपको डिटेल्स बताना चाहता हूं कि इसमें क्या कुछ आपको अभी देखने को मिलने वाला है लॉन्च से पहले। ये एक्सपेक्टेड रहेगा, जैसा कि अभी व्यू में मैं देख सकता हूं वैसा ही आपको बताऊंगा। बाकी कुछ देर बाद इसका रियल फाइनल और क्या कुछ मिलने वाला वो तो हमें सबको पता चलने वाला है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों अभी आपने जो टीज़र देखा, ये नया टीज़र जारी किया गया है TVS की तरफ से, जिसमें वो बता रहे हैं कि आज हम 11 बजे इसको लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च से पहले आपको क्या कुछ इस बाइक में देखने को मिलने वाला वो मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखें तो आपको यहाँ पर एलॉय व्हील देखने को मिलेगा और साथ ही इसमें डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिलने वाला है। अगर वहीं इसके थोड़ा सा बैक साइड अगर हम चलते हैं, इंजन के पास अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी इंजन गार्ड देखने को नहीं मिलता है, जो कि अपाची की RTR 160 में मिलती है और भी कई मॉडल में आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर यह देखने को नहीं मिल रहा। बाकी इसके पेट्रोल टैंक की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं TVS का जो घोड़ा है वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको पेट्रोल टैंक पर देखने को मिल रहा है। और वैसे बता दूँ कि ये जो अभी बाइक दिखाया जा रहा है ये येलो कलर में, तो यहाँ पे भी आपको हेडलाइट में ये येलो कलर थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा और पेट्रोल टैंक पे देखने को मिल जाएगा। सीट की तरफ देखें तो ये स्प्लिट सीट वाला मॉडल यहाँ पे शो किया गया है। साथ ही अगर इसके साइलेंसर को देखें तो अपाचे की तरह ही इसका साइलेंसर दिया गया, और साइलेंसर के ऊपर भी आपको एक कवर देखने को मिल जाता है। उसके ठीक पीछे ही आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर बात करें हम इसके ओवरऑल लुक की, तो ये अपाचे की जैसा ही देखने में लग रहा है, जैसे होंडा की जो एक्स ब्लेड है उस टाइप का इसका लुक निकल के सामने आ रहा है। बाकी फाइनल लुक आपको 11 बजे ही पता चल जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा बेसिक में बताने की कोशिश किया कि क्या कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें अच्छा खासा देखने को मिल जा रहा है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिल जा रहा है। वहीं अगर इसके बैक साइड से अगर आप रियर फुट रेस्ट देखें पिलियन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TVS की तरह ही अपाची की तरह ही इसमें आपको रियर का फुट पैक्स देखने को भी मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये बेसिक सा छोटा सा जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं पूरा अनवील्ड होने के बाद। तब तक के लिए राइड विद बाइक।